नमस्कार दोस्तों, राजू सर के नाम से इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक नया वीडियो लेके आए हैं और ये एम्स दिल्ली के पेपर में इमेज बेस के जो क्वेश्चंस आते हैं उसकी प्रैक्टिस के बेस पे ये वीडियो अपना रहेगा। तो शुरू करते हैं हम वीडियो। सबसे आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट गिवन इन द पिक्चर। फर्स्ट ऑप्शन इज द यूरेट्री कैथेटर, सेकेंड वन इज द बोगी, थर्ड वन इज द राल्स ट्यूब एंड फोर्थ वन इज द यूट्राइन साउंड। तो अगर आप पिक्चर को ढंग से देखें तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है यूरेट्री कैथेटर। यूरेट्री कैथेटर जो होता है उसको हम जो है डीजे स्टैंड के नाम से जानते हैं ना। यूरेटर जो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा किडनी होती है नंबर में दो, और किडनी अटैच होती है यूरेटर से। यूरेटर खुलते हैं दोनों ब्लड के अंदर। तो यूरेट्री कैथेटर जो होता है वो यहाँ डाला जाता है और इसमें एक जे इधर बनता है, दूसरा जे इधर बनता है और उसको डीजे स्टैंड कहते हैं। तो यहाँ पे आपको कहीं भी जो एंड पोर्शन पे जे नहीं दिख रहा है। यूरेट्री कैथेटर में दोनों एंड पे जे शेप बनता है और उसको नाम दिया जाता है डीजे स्टैंड। तो यहाँ पे आपको कहीं जे नहीं दिख रहा है इसलिए ये आंसर यहाँ पे नहीं रहेगा। राइल्स ट्यूब आपने कभी देखा हो तो उसके अंदर बीच के अंदर ल्यूमन दिया होता है। इस कैथेटर में ल्यूमन नहीं है। राइल्स ट्यूब कलर कोड के आधार पे भी हम पहचान सकते हैं और राइल्स ट्यूब जो है वो नोज से थ्रोट के थ्रू होके स्टोमक में जाता है। तो यहाँ पे ये राइल्स ट्यूब भी नहीं है। और यूट्राइन साउंड जो होता है वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है और ये एक रबर जैसा कैथेटर है, तो ये भी गलत है। तो एक ऑप्शन बचा पीछे और जवाब है इसका बोगी। नाउ बोगी क्या होता है? तो बोगी का दूसरा नाम यहाँ पे जवाब है बोगी, और इस बोगी का दूसरा नाम इंट्रोड्यूसर भी होता है, इंट्रोड्यूसर। और इसका एक और नाम है जीईबी। जीईबी का मतलब होता है गम इलास्टिक बोगी, गम इलास्टिक बोगी जीईबी। ये जो डिवाइस है वो इंसर्ट किया जाता है एयरवे के अंदर पहले, और उसके बाद में एंडोट्रेकियल ट्यूब से जिन जिन पेशेंट्स के अंदर ट्रेकियल इंटुबेशन, जब एयरवे पैटर्न नहीं होता है और एंडोट्रेकियल ट्यूब लगाया जाता है, ईटी ट्यूब, यूज्ड ड्यूरिंग ड्यूरिंग एंडोट्रेकियल या यूज्ड ड्यूरिंग इंटुबेशन, इंटुबेशन के दौरान काम में लिया जाता है। पहले बोगी काम में लेते हैं और फिर एंडोट्रेकियल ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है। एंडोट्रेकियल ट्यूब डालने के बाद में बोगी जो होता है उसको क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। तो बोगी इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज इन पेशेंट विद डिफिकल्टी इन इंटुबेशन, दैट इज एंडोट्रेकियल इंटुबेशन। चले अपन, तो व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस ऑफ चाइल्ड। इस बच्चे को देख के क्या डायग्नोसिस बन रहा है? आप देखेंगे इसके दोनों साइड के चेहरे के अंदर थोड़ी सिमेट्री नहीं है। एक साइड में आंख क्लोज है, एक साइड का आई जो है वो ओपन है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे टॉसिस। टॉसिस का मतलब होता है ड्रॉपिंग आईलिड, ड्रॉपिंग आईलिड। ड्रॉपिंग आईलिड जो होता है वो साइन होता है माइस्थेनिया ग्रेविस का, और उसमें दो आईलिड जो होती है वो ड्रॉप हो जाती है। यहाँ पे आईलिड ड्रॉप नहीं है, एक आई क्लोज है पूरा और एक आई क्लोज नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके का पिक्चर है। दूसरा माइस्थेनिया ग्रेविस जिसका साइन है टोसिस, तो अगर टोसिस होता तो ये हो जाता, तो दैट मीन कि ये दोनों ही आंसर यहाँ पे नहीं है। तीसरा है बेल्स पाल्सी और चौथा है मिक्स एडिमा। मिक्स एडिमा जो है वो हाइपोथायरॉइडिज्म के अंदर देखने को मिलता है, और उसमें जो है पेडल एडिमा होता है ज्यादातर, और पफी फेस होता है जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आंसर है बेल्स पाल्सी। नाउ बेल्स पाल्सी क्या होता है? तो बेल्स पाल्सी जो है वो सेवंथ क्रेनियल नर्व ना, सेवंथ नंबर की जो क्रेनियल नर्व है, सेवंथ क्रेनियल नर्व जिसको फेशियल नर्व के नाम से भी जानते हैं, उस फेशियल नर्व का पैरालिसिस है, पैरालिसिस। और फेशियल नर्व मिक्स टाइप की है लेकिन बीमारी ज्यादातर मोटर को अफेक्ट करती है, मोटर अफेक्ट्स,
मोटर ज्यादा अफेक्ट होती है, और इसमें आप देखोगे कि दोनों आई में एक आई जो है वो क्लोज है एक नहीं है, तो इसके आधार पे आप यहाँ पे अगर पता करो कि कौन सी साइड में बेल्स पाल्सी है, तो जिस साइड की आई बंद हो पा रही है वो नॉर्मल है, मतलब इधर तो फेशियल एक्सप्रेशन है लेकिन ये साइड है राइट साइड, और लेफ्ट साइड के अंदर फेशियल एक्सप्रेशन नहीं है। तो यहाँ पे बेल्स पाल्सी की हम बात करें तो बेल्स पाल्सी वाला या फेशियल पाल्सी वाला जो एरिया है वो ये है, जिधर आई क्लोज नहीं हो पा रही है, जिधर कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन नहीं है, जिधर रिंकल नहीं है फोरहेड के ऊपर, तो इस साइड में ये बेल्स पाल्सी, ये एरिया जो होता है ये इधर बेल्स पाल्सी है। क्या क्या सिम्टम होते हैं बेल्स पाल्सी के इसके अलावा, तो एक तो देखने को मिलती है ड्रूलिंग, लार टपकना, है ना, प्रॉब्लम होती है खाने के अंदर, डिफिकल्टी इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, पानी पीने में खाने में, है ना। इसके अलावा जो है इनएबिलिटी टू मेक फेशियल एक्सप्रेशन, है ना, अनेबल टू, है ना, एक ड्रूलिंग होती है, दूसरा अनेबल टू मेक फेशियल एक्सप्रेशन, स्माइलिंग नहीं कर सकता, इसके अलावा जो है फ्रॉडिंग नहीं कर सकता, वीकनेस हो जाती है ना, आई जो होती है अनेबल टू क्लोज आई, अनेबल टू क्लोज आई, आई जो है उसको क्लोज नहीं कर पाता पेशेंट, है ना। इसके अलावा इरिटेशन ऑफ द आई ऑन द इन्वॉल्व साइड, इधर आई का इरिटेशन होता है, स्लाइटली हेडेक होता है इस एरिया में, हेडेक एब्सेंट रहता है यहाँ पे जो है, एब्सेंट रहता है फोरहेड रिंकल, फोरहेड रिंकल ये एब्सेंट है ना, नेजोलेबियल फोल्ड, दिस इज द नेजोलेबियल फोल्ड, तो एब्सेंट हो जाता है नेजोलेबियल फोल्ड, एब्सेंट नेजोलेबियल फोल्ड, नेजोलेबियल फोल्ड यहाँ पे एब्सेंट रहते हैं, तो ये क्लिनिकल साइन देखने को मिलती है। बीमारी का नाम है बेल्स पाल्सी, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, सेवंथ क्रेनियल नर्व का पैरालिसिस है, मोटर जो होती है वो नर्व यहाँ पे ज्यादा अफेक्ट देखने को मिलती है। आइडेंटिफाई दिस कैथेटर, पहला है मेलिकोट कैथेटर, सेकेंड वन आर्टीरियल कैथेटर, थर्ड वन पीडियाट्रिक कैथेटर, और फोर्थ वन सेंट्रल वीनस कैथेटर। तो आप कैथेटर को ढंग से देखें, अगर आप टिप को देखें, अगर आप इसको पोर्ट को देखें, है ना, ये फिक्सेशन के लिए यहाँ पे स्टिच किए जाते हैं, ये पोर्ट दिए हुए हैं, क्लैंपर दिए हुए हैं, दैट मीन ये सेंट्रल वीनस कैथेटर है, CVC, सेंट्रल वीनस कैथेटर। नाउ सेंट्रल वीनस कैथेटर क्या होता है उसकी अगर अपन बात करें, व्हाट इज सेंट्रल वीनस कैथेटर और द यूज ऑफ सेंट्रल वीनस कैथेटर, तो सेंट्रल वीनस कैथेटर का दूसरा नाम सेंट्रल लाइन भी होता है, इसका दूसरा नाम सेंट्रल लाइन के नाम से भी इसको जानते हैं, सेंट्रल लाइन। ये ट्यूब जो है वो प्लेस की जाती है लार्ज वेन के अंदर, लार्ज वेन के अंदर इसको डालते हैं, और सेंट्रल वेन होती है, दो वेन ज्यादातर यूज करते हैं, सब क्लेवियन वेन और जुगुलर वेन, इंटरनल जुगुलर वेन, सब क्लेवियन वेन और जुगुलर वेन ज्यादातर काम में लिया जाता है। ये दोनों वेन जो होती है वो नेक के एरिया में होती है, बाकी सेंट्रल लाइन जो होती है वो आप चेस्ट के एरिया में, ग्रोइन एरिया में, आर्म्स में भी डाल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये नेक के एरिया में, सब क्लेवियन वेन और इंटरनल जुगुलर वेन में डालते हैं, ये दोनों लार्ज वेन है, सेंट्रल लाइन इसका दूसरा नाम है। और ये क्या यूज है इसके, कहाँ काम में ली जाती है, तो किसी भी मरीज को हाइपरटोनिक टाइप का फ्लूइड देना है आपको, है ना, हाइपरटोनिक फ्लूइड अगर आपको देना है जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है बॉडी कंसंट्रेशन से, ब्लड प्रोडक्ट दे सकते हो आप इसके थ्रू, अच्छा मेडिकेशन दे सकते हो आप इसके थ्रू, मेडिकेशन, है ना, तो ये एक यूज है। बाकी इसका क्लिनिकल यूज के तौर पे टू मॉनिटर सेंट्रल वीनस प्रेशर ये डालना पड़ता है, टू मॉनिटर सेंट्रल वीनस प्रेशर, CVP जो होता है सेंट्रल वीनस प्रेशर, वो भी मॉनिटर करने के लिए काम में लिया जाता है। सेंट्रल वीनस प्रेशर जो होता है उसे हम असेस करते हैं फ्लूइड वॉल्यूम स्टेटस ऑफ द बॉडी, सेंट्रल वीनस प्रेशर से क्या असेस करते हैं, फ्लूइड वॉल्यूम स्टेटस इन बॉडी, बॉडी के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम का स्टेटस, हाइपोवॉल्यूमिया और
हाइपर वॉल्यूमिया, ये पता करने के लिए हम सीवीपी चेक करते हैं, सेंट्रल वीनस प्रेशर। उसके लिए क्या किसकी जरूरत पड़ेगा, सेंट्रल लाइन का जरूरत पड़ेगा। नॉर्मल सीवीपी जो होता है वो 8 to 12, 8 to 12 सेंटीमीटर H2O, ये नॉर्मल सीवीपी है। तो ये अगर ये कम है तो फ्लूइड वॉल्यूम की डेफिशिएंसी है, ज्यादा है तो हाइपर वॉल्यूमिया है, ये हम पता कर सकते हैं। तो ये कैथेटर है सेंट्रल लाइन कैथेटर। अगला इमेज की हम अगर बात करें, आइडेंटिफाई दिस ट्रैक्शन इंस्ट्रूमेंट, ये कौन सा ट्रैक्शन इंस्ट्रूमेंट है, बक्स एक्सटेंशन, रसेल्स ट्रैक्शन, गार्डनर वेल टोंग और क्रचफील्ड ट्रैक्शन। तो अगर आप इस ट्रैक्शन को ढंग से देखें, स्क्रू को देखें और इसको देखें, तो ये है गार्डनर वेल टोंग, ट्रैक्शन का नाम है गार्डनर वेल टोंग। ये ट्रैक्शन यूज किया जाता है हमेशा ट्रैक्शन स्टेबलाइज करने के लिए फॉर अलाइनमेंट ऑफ दी सर्वाइकल स्पाइन, है ना। गार्डनर वेल ट्रैक्शन यूज फॉर अलाइनमेंट स्टेबलाइजेशन ऑफ सर्वाइकल स्पाइन। सर्वाइकल स्पाइन को जब इंजरी होती है उसको सर्वाइकल इंजरी कहते हैं, और सर्वाइकल इंजरी के अंदर अलाइनमेंट स्टेबलाइजेशन के लिए काम में लिया जाता है गार्डनर वेल ट्रैक्शन। आइडेंटिफाई द प्राइमरी डायग्नोसिस, क्या है प्राइमरी डायग्नोसिस। पहला है, अगर आप इस पिक्चर को देखो, ये एक सीटी स्कैन का पिक्चर है और इसको आप देखो तो क्या प्राइमरी डायग्नोसिस बना है। पहला है सब ड्यूरल हेमाटोमा, दूसरा है क्रेनियल ग्लायोब्लास्टोमा, तीसरा हाइड्रोसिफेलस और फोर्थ वन एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमेटोमा। तो अगर आप इस पिक्चर को ढंग से देखें तो इस पिक्चर के अंदर जो है ये वेंट्रिकल्स दिए हुए हैं, जो कि वेंट्रिकल्स के अंदर फ्लूइड फिल्ड है। ये वेंट्रिकल का जो शेडो है, नॉर्मल वेंट्रिकल जो होते हैं वो इतने बड़े नहीं होते हैं, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, और वेंट्रिकल के अंदर फ्लूइड का भरना दैट मीन सीएसएफ एक्यूमुलेट है, और जिस बीमारी में सीएसएफ एक्यूमुलेट होते हैं ये बीमारी हाइड्रोसिफलस कहलाती है। तो यहाँ पे आंसर रहेगा हाइड्रोसिफलस। हाइड्रोसिफलस जो डिजीज होती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक डिजीज है। हाइड्रो वर्ड का मतलब यहाँ पे वाटर, और सिफलस मतलब ब्रेन, तो वाटर इन ब्रेन, वाटर इन ब्रेन, और ब्रेन के जो वाटर है उसको हम बोलते हैं सीएसएफ। तो एक्सेसिव सीएसएफ जो होता है वो एक्यूमुलेट हो गया, सीएसएफ जो होता है वो एक्सेसिव एक्यूमुलेट हो गया, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन, और सीएसएफ का एक्सेसिव एक्यूमुलेशन होने की वजह से, मुलेशन होने की वजह से ब्रेन के वेंट्रिकल जो है वो इस तरीके का शेडो देते हैं, हाइड्रोसेफेलस को कहते हैं। तीन इसके कारण होते हैं, एक्सेसिव प्रोडक्शन, लेस एब्जॉर्प्शन और ऑब्स्ट्रक्शन। मोस्ट कॉमन कोज जो होता है वो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, और ये ज्यादातर कंजेनाइटल होता है, जिसमें न्यू बॉर्न बेबी में हेड सर्कमफ्रेंस जो होता है वो बड़ा हुआ देखने को मिलता है, और फोंटेनल जो होते हैं वो बल्ज टाइप के देखने को मिलते हैं। कंडीशन है हाइड्रोसिफलस। अगले पिक्चर की तरफ हम बढ़े, आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करें। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट आईसीडी किट, सेकंड ईवीडी सेट, थर्ड कोलोस्टोमी किट और फोर्थ वन वुंड ड्रेनेज बैग। तो अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे बैग जरूर है लेकिन पूरा सिस्टम है, इसलिए ये वुंड ड्रेनेज बैग तो नहीं हो सकता। अच्छा, कोलोस्टमी किट जो होता है उसमें कोलोस्टमी बैग होता है, ये बाकी चैम्बर नहीं होते, तो ये भी गलत है। और आईसीडी किट के अंदर आपने देखा होगा तो एक एक आपको मिलेगा आगे की तरफ ट्यूबिंग और पीछे की तरफ बैग, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ अलग दिया हुआ है, दैट मीन ये आईसीडी किट नहीं है। आईसीडी मतलब इंटरकोस्टल ड्रेनेज, आईसीडी होता है इंटर इंटरकोस्टल ड्रेनेज, काम में लिया जाता है प्लूरल इफ्यूजन, है ना, न्यूमोथोरेक्स, उसके अंदर ये नहीं है, ये कोलोस्टोमी किट नहीं है और ये वुंड ड्रेनेज नहीं है। तो ये आंसर बना यहाँ पे ईवीडी सेट, है ना। तो ईवीडी क्या होता है, तो एपिड्यूरल या एक्स्ट्रा ड्यूरल वेंट्रिकुलर ड्रेनेज, है ना, ये होता है एक्सटर्नल, सॉरी एक्सटर्नल एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर ड्रेनेज, ये वेंट्रिकुलर ड्रेनेज किट है, और वेंट्रिकुलर ड्रेनेज किट काम में लिया जाता है, वेंट्रिकुलर ड्रेनेज सेट जो होता है वो काम में लिया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोसिफलस। अभी अपने एक सिचुएशन पढ़ी थी हाइड्रोसिफलस, तो हाइड्रोसिफलस के ट्रीटमेंट के अंदर वेंट्रिकुलर से सीएसएफ को ड्रेन करने के लिए काम में लिया जाता है वेंट्रिकुलर ड्रेनेज सेट।
की ओर आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा, इसको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट वन है केलीज क्लैम, एलिज सेकंड एलिज फोर्सेप, थर्ड ग्रीम आर्मस्टैग और फोर्थ कोचस आर्टरी। तो अगर आप इसको ढंग से देखो तो यहाँ पे जो ये एंड पोर्शन है ये एक इम्पोर्टेंट है, ये जो एंड पोर्शन है एक साइड का, इसमें ये इस तरीके से क्लैम्प करने की चीजें दी हुई है, पकड़ने के लिए जो है ये क्लैंपर दिए हुए, ग्रास्पिंग करने के लिए, तो इसको नाम दिया जाता है ग्रीम आर्मस्टैंग फोर्सेप। ग्रीम आर्मस्टैंग जो है ये काम में लिया जाता है यूटेराइन क्लैंप की तरह, यूटेराइन क्लैंप, इसका नाम यूटेराइन क्लैंप भी है, पूरा नाम यही है ग्रीन आर्मस्टैंग यूटेराइन क्लैंप। और ये ग्रास्प करता है फाइब्रस टिश्यू को, है ना, फाइब्रस टिश्यू जो यूट्रस में होता है जब ब्लीडिंग होता है ना, गायनोकोलॉजिस्ट सर्जरी करते हैं, मान लो यूज ड्यूरिंग सीजेरियन सेक्शन करते हैं। अच्छा, हिस्टेरेक्टोमी करते हैं, हिस्टेरेक्टोमी करते हैं, मायोमेक्टोमी करते हैं, मायो मैक्टमी करते हैं, यूटराइन रिपेयर करते हैं, यूटराइन रिपेयर, इस तरह की सर्जरीज के अंदर ये काम में लिया जाता है यूटराइन क्लैंप। और इन सर्जरी में इसका क्या रोल है, तो ये बेसिकली ग्रास्प फाइब्रस टिश्यू, ये ग्रास्प करता है फाइब्रस टिश्यू को, और फाइब्रस टिश्यू को ग्रास्प ग्रास्प करता है, जिसकी वजह से क्या होता है हीमोस्टेसिस का मतलब होता है वहां से ब्लीडिंग को कम कम करवाता है, ब्लीडिंग रोकता है, तो ड्यूरिंग सर्जरी जो है ज्यादा ब्लड लॉस ना हो, यूज किया जाता है ग्रीम आर्मस्टैंग फोर्सेप। नेक्स्ट पिक्चर की तरफ देखें, विच रेडियोग्राफिक रिपोर्ट इज गिवन हेयर, आप इसको देखो कि कौन सा रिपोर्ट है। फर्स्ट है पैट स्कैन, सेकेंड वन दिया हुआ है कैट स्कैन, थर्ड वन इंट्रावीनस पाइलोग्राम यूएसजी KUB, इंट्रावीनस पाइलोग्राम IVP भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। तो पैट स्कैन जो होता है वो, यहाँ आप अगर पिक्चर देखो तो आपको क्या दिख रहा है कि एक आपको वर्टिबल कॉलम दिख रहा है, ये शेडो जो है वो जो ये है ये आपको वर्टिबल कॉलम दिख रहा है ना, ये इस वर्टिबल कॉलम दिख रहा है आपको, अगर दिख रहा हो तो ये वर्टिबल कॉलम है, ये पेल्विस वाला एरिया है ना, मतलब आप एक्सरे से पहचान सकते हैं ना ये एरिया कौन सा है, ये पेल्विस वाला एरिया है, और ये आप देखो तो ये शेडो जो है वो किडनी का शेडो है, ये रीनल पेल्विस है ना, ये यूरेटर है, ये यूरेटर यहाँ आके, ये ब्लैडर पड़ा है यहाँ पे, दिस इज ब्लैडर, ये ब्लैडर है, ये यूरेटर है, इधर वाला भी ये किडनी है, तो किडनी का कोई इमेज लिया हुआ है आप अगर देखो तो, किडनी है, ब्लैडर है, यूरेटर्स है, तो KUB इसको बोलते हैं, किडनी यूरेटर ब्लैडर, उस तरीके का स्कैन है। अगर आप इसको देखो, पहला है पैट स्कैन, तो पैट स्कैन जो होता है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी ब्रेन के लिए किया जाता है, तो ये पैट स्कैन नहीं है, पैट स्कैन होता है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, और ये ब्रेन के लिए किया जाता है, तो ये पैट स्कैन नहीं है। कैट स्कैन कंप्यूटराइज एक्सिलियल टोमोग्राफी, तो ये कैट स्कैन भी नहीं है, ये भी गलत है ना। यूएसजी, यूएसजी के अंदर इस तरीके के शेडो नहीं आती, रेडियोग्राफिक है, अल्ट्रासाउंड इस तरीके का पिक्चर नहीं देता आपको पता हो तो ये IVP एक्सरे है, IVP इज द इंट्रावीनस पाइलोग्राम। इंट्रावीनस पाइलोग्राम में एक डाई डाल दी जाती है, IV इसलिए बोलते हैं इंट्रावीनस इसलिए क्योंकि IV डाई देते हैं, इंट्रावीनस क्या डाली जाती है डाई, और उसके बाद में एक्सरे किया जाता है, और ये एक्सरे क्यों किया जाता है, टू टेस्ट आउट मतलब किसका टेस्ट करने के लिए, तो किडनी एंड यूरेटर्स एंड ब्लैडर, ये किडनी है, ये यूरेटर है, और यूरेटर आके किसमें खुल रहे हैं, ब्लैडर के अंदर, तो टू टेस्ट आउट डाई डाल के, डाई एंड एक्सरे एक्सरे टू शो किडनीज, किडनी दिख रही है अपने को इसमें, किडनीज एंड यूरिनरी ट्रैक्ट, किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट जो है उसको पता लगाने के लिए डाई डाल के एक्सरे किया जाता है, KUB इसको बोलते हैं, और इससे किडनी ब्लैडर और यूरेटर का फोटो लिया जाता है और उसमें किसी भी एबनॉर्मलिटी को असेस किया जाता है, दिस इज द IVP एक्सरे। तो करेक्ट आंसर इज इंट्रावीनस पाइलोग्राम। पिक्चर की तरफ हम बढ़े हैं, तो आइडेंटिफाई
दिस इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट है यूटेराइन साउंड, सेकेंड वन इज द क्यूरेट, थर्ड वन इज द डेप्थ गोज और फोर्थ वन इज द लैरिंजियल मिरर। अगर आप उसको देखो तो इसके अंदर एक तो हैंडल दिया हुआ है, और हैंडल के बाद में आपने कभी यूज किया हो तो ये मिरर है, कांच की तरह दिख रहा है आपको, दिख रहा है। तो अगर मिरर की तरह दिख रहा है तो डेफिनेटली ये लैरिंजियल मिरर है ना, ये मिरर की, ये ट्रेन साउंड नहीं है, क्यूरेट ऐसा नहीं होता है, डेप्थ गोज नहीं है, दिस इज द लैरिंजियल मिरर। क्या यूज है लैरिंजियल मिरर का? तो ये कॉमनली यूज किया जाता है, लैरिंजियल मिरर ये यूज किया जाता है एग्जामिनिंग द लैरिंग्स एंड अदर एरियाज ऑफ द थ्रोट। ज्यादातर ये मिरर आपने देखा होगा डेंटिस्ट के पास में होता है ना, बाकी जो है एनेस्थेटिक जो होते हैं वो भी इसको काम में लेते हैं, टू विजुलाइज द थ्रोट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ एनेस्थेशिया टू रिमूव टिश्यू। वेरियस डायमीटर के अंदर, अलग अलग साइज के अंदर ये मिरर जो है वो अवेलेबल होते हैं, मरीज को जैसा सूट होता है, मरीज की जैसी नीड होती है, जैसी उसकी फिजिक्स होती है, उसके अनुसार इसको हम प्रेफरेंस देते हैं, दिस इज द लैरिंजियल मिरर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट सर्जिकल टॉर्च, इट्स नॉट ए टॉर्च, अगर आप इसको ढंग से देखो तो ये टॉर्च जैसा नहीं दिख रहा है। बाइपोलर इलेक्ट्रोकोटरी, इलेक्ट्रिक सक्शन और मोनोपोलर इलेक्ट्रोकोटरी। तो अगर आप इसको देखो तो ये एक सिंगल सिंगल वे है, तो ये बाइपोलर नहीं है, है ना, दो है यहाँ पे, दो ऑप्शन दिए हुए, एक बाइपोलर और मोनोपोलर, दैट डेफिनेटली ये कोटरी है, कोटरी काम में लिया जाता है ड्यूरिंग सर्जरी, और ये सिंगल है इसलिए इसको मोनोपोलर इलेक्ट्रोकोटरी बोलते हैं, मोनोपोलर इलेक्ट्रोकोटरी या सिर्फ इलेक्ट्रोकोटरी भी कह सकते हैं इसको, है ना। कहाँ काम में ली जाती है? तो इट इज यूज्ड यूज ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी के दौरान ये काम में ली जाती है, टू बर्न एंड सील ब्लड वेसल। जब सर्जरी में कट लगाते हैं, ब्लड वेसल में से ब्लीडिंग होती है, तो ब्लड वेसल को बर्न और सील करने का पहला काम है इसका, और दूसरा काम है टू रिमूव अनवांटेड और हार्मफुल टिश्यू, टू रिमूव अनवांटेड एंड हार्मफुल टिश्यू। काम में ली जाती है इलेक्ट्रोकोटरी, शॉर्ट में इसको कोटरी भी बोला जाता है, सर्जरी के दौरान ये इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है, इलेक्ट्रो मोनोपोलर इलेक्ट्रोकोटरी। नेक्स्ट इमेज की तरफ जाए, आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट है वेंट्रिकुलर शंट कैथेटर, सक्शन कैथेटर, पिगटेल कैथेटर और यूरेट्री कैथेटर। तो अगर आप इसको देखो, वेंट्रिकुलर शंट कैथेटर इतना छोटा नहीं होता है, वेंट्रिकुलर शंट हाइड्रोसिफलस के इलाज में काम में लिया जाता है, और ये इतना लेंथ में, ये बहुत शॉर्ट शंट है तो ये इतना छोटा शंट नहीं होता है। सक्शन कैथेटर ऐसा नहीं आता है, इसका एंड पोर्शन, दोनों एंड आप देखो तो ये सक्शन कैथेटर नहीं है, अगर आप दोनों एंड को देखो ढंग से, एक ये एंड और दूसरा ये एंड, तो ये सक्शन कैथेटर ऐसा नहीं होता है। अच्छा, यूरेट्री कैथेटर मैंने अभी पहले भी बताया आपको कि उसमें डबल जे बनता है, इसमें जे डबल नहीं है, एक साइड में थोड़ा बहुत है, लेकिन लास्ट वाला जो है वो पोर्शन अलग तरीके का है, तो ये यूरेट्री कैथेटर नहीं है, तो इसको नाम दिया जाता है पिग टेल कैथेटर। अच्छा, इसको पिग, पिग मतलब सुअर, टेल मतलब पूंछ, फुअर सुअर की पूंछ जैसा, तो आप देखो इसका जो लास्ट पोर्शन है ये पिग की टेल जैसा होता है, दिस इज पिग टेल, इसलिए इसको बोलते हैं पिग टेल कैथेटर। पिग टेल कैथेटर क्या काम आता है? तो एक ड्रेनेज कैथेटर है ना, जिसमें एक साइड के अंदर होल होता है ना, यहाँ पे होल पाया जाता है, और दूसरा ड्रेनेज सिस्टम है, जो ड्रेन है ये ड्रेनेज बैग से अटैच होएगा, तो पिग टेल कैथेटर जो होता है ये ड्रेनेज कैथेटर है, ड्रेनेज ड्रेनेज कैथेटर, इसे ड्रेनेज कैथेटर जो काम में लिया जाता है नॉन विस्किडोर, नॉन कोगुलेबल कलेक्शन, यूज टू ड्रेन नॉन विस्किट, क्योंकि इसका डायमीटर जो है वो थोड़ा छोटा है, तो जो फ्लूइड ये ड्रेन करेगा वो नॉन विस्किट होना चाहिए, नॉन विस्किट का मतलब होता है गाढ़ा नहीं होना चाहिए, एकदम एकदम पानी जैसा होना चाहिए, और नॉन कोएगुलेबल मतलब क्लोटेड नहीं होना चाहिए, नॉन कोएगुलेबल, इस तरीके का अगर चीज ड्रेन करना है तो आप पिगटेल कैथेटर डाल दो। ज्यादातर ये काम में लिया जाता है एग्जाम्पल पीसीएन, परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टोमी, जो परक्यूटेनियस
नेप्रोस्टमी, नेप्रोस्टमी का मतलब क्रिएट एन ओपनिंग इन द नेप्रॉन, दैट इज नेप्रोस्टमी। स्किन के थ्रू हम जाते हैं और नेप्रॉन में ओपनिंग बनाते हैं, उस ओपनिंग में ये कैथेटर वहां पे इंट्रोड्यूस किया जाता है इस फॉर ड्रेनेज ऑफ यूरिन, है ना। तो नॉन विस्किड और नॉन कोएगुलेबल के अंदर वो यूरिन हो सकता है, तो यूरिन को ड्रेन करते हैं। अच्छा, बाइल को ड्रेन करने में भी काम में ले सकते हैं, पेनक्रियाटिक जूसेज को ड्रेन करने में, बाइल, पेनक्रियाटिक फ्लूइड, पेनक्रियाटिक फ्लूइड, उन सब को ड्रेन करने में काम में लिया जाता है पिगटेल कैथेटर। अगली इमेज की, आइडेंटिफाई द कंडीशन न्यू बॉर्न बेबी में, ये कौन सी कंडीशन है। न्यू बॉर्न बेबी का पिक्चर है, उसके हेड वाले एरिया के अंदर ये रेड कलर का एक स्पॉट आपको दिया हुआ है और बोला ये कौन सा कंडीशन है। पहला सिपेलो हेमाटोमा, तो सिपेलो हेमाटोमा जो होता है वो एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड अंडर द पेरियोस्टियम, जो अंदर की तरफ पाया जाता है, तो ये बेसिकली यहाँ पे नहीं है, ये अंडर पेरियोस्टियम ब्लड का कलेक्शन है। कैपर सुसीडेनम इज द एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड अंडर द स्कल, तो यहाँ पे कोई हेड के अंदर स्वेलिंग नहीं है। इन दोनों ही कंडीशन में हेड के अंदर एडिमा पाया जाता है, हेड एडिमा, ये दोनों ही हेड के एडिमा है ना, फ्लूइड और ब्लड का एक्यूमुलेशन, तो यहाँ पे एडिमा नहीं दिख रहा आपको, तो ये दोनों ही आंसर नहीं है। एन्यूरिज्म जो होता है वो इंटरनल जो ब्लड वेसल है उसका लोकल बैलूनिंग होता है, तो ये एन्यूरिज्म नहीं है, तो एक ही आंसर बना और ये आंसर है स्ट्रॉबेरी हिमेंजियोमा। स्ट्रॉबेरी हिमेंजियोमा क्या होता है, स्ट्रॉबेरी हिमेंजियोमा या हिमेंजियोमा या इसी का दूसरा नाम स्ट्रॉबेरी नेवस भी है, इसको नेवस भी बोल सकते हैं, नेवस, स्ट्रॉबेरी नेवस, है ना। ये नाम जो है कलर के आधार पे दिया है, इसका जो कलर है, आप स्ट्रॉबेरी कभी आपने खाई हो तो स्ट्रॉबेरी जैसा लुक दे रहा है। रेड टिंग ऑफ द स्किन कम फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ ब्लड वेसल, तो ये रेड टिंग्ड है, रेड टिंग्ड है, रेड कलर का है, रेड टिंग्ड, है ना। और ये बना, यह बना क्यों है, तो कलेक्शन ऑफ ब्लड वेसल, कलेक्शंस ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल के लोकल कलेक्शन की वजह से ये बना है। स्किन की सरफेस के बहुत क्लोज होता है, क्लोज टू द स्किन सरफेस, और ये ज्यादातर एज ए बर्थ मार्क्स है, बर्थ मार्क्स इन्फेंट के अंदर न्यू बॉर्न बेबी में एज ए बर्थ मार्क्स ये होता है, स्ट्रॉबेरी हिमेंजियोमा इसको बोला जाता है। नेक्स्ट वन चले तो, विच पेन असेसमेंट स्केल इज गिवन हेयर। फर्स्ट है न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल मतलब नंबरिंग, सेकंड वन है बिहेवियरल पेन स्केल, थर्ड वन है एडल्ट नॉन वर्बल स्केल और फोर्थ वन वोंग बेकर पेन असेसमेंट स्केल। तो अगर आप इस स्केल को ढंग से देखें तो स्केल जो है इसके अंदर इधर दिया हुआ है नंबरिंग और इधर दिया हुआ है फेस, और पेन रेटिंग स्केल जिसमें फेस दिया हुआ है 0, नो हर्ट, हर्ट लिटिल बिट, है ना, सेकेंड हर्ट लिटिल, फोर हर्ट लिटिल मोर, सिक्स हर्ट इवन मोर, एट हर्ट वोलो होल लॉट, और जो है 10 हर्ट टू वर्स्ट। तो इस स्केल को हम देखें तो ये फेशियल स्केल है, और जो फेस देके जो स्केल काम में ली जाती है उसको वोंग बेकर पेन रेटिंग स्केल के नाम से जाना जाता है। ये पेन रेटिंग स्केल जो होती है उसमें सीरीज ऑफ फेसेस दिए होते हैं, है ना, इसके अंदर सीरीज ऑफ फेसेस दिए होते हैं जो रेंज करते हैं, फेसेस रेंज फ्रॉम हैप्पी फेस, ये 0 जो है नो हार्ट वाला ये एक हैप्पी फेस है, तो हैप्पी फेस से लेके रेंज करता है कहाँ तक, क्राइंग फेस, ये जो जो अल्टीमेटली जो लास्ट वाला फेस है, स्लाइटली जो है विजुलाइज नहीं हो रहा है, इसको क्राइंग फेस कहते हैं। तो हैप्पी फेस से क्राइंग फेस की तक जो होता है ये रेंज करता है, तरह तरह के फेस आ रहे हैं और अल्टीमेटली क्राइंग फेस आता है, ये जो अल्टीमेटली 10 नंबर फेस है यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ इसको तो ये क्राई जैसा फेस है ना, ये क्राइंग फेस है, ऐसा फेस है, तो ये इंडिकेट करता है वर्स्ट पेन को, तो यहाँ पे नो हर्ट, यहाँ पे वर्स्ट हर्ट, पेन सबसे ज्यादा, हैप्पी फेस टू क्राइंग फेस, 2 to 10 नंबर इमेजिन के आधार पे। इसको डेवलप किया था डोना वोंग और कोनी बेकर ने, इसलिए इसको वोंग बेकर, दो साइंटिस्ट थे डोना वोंग और कोनी बेकर, तो वोंग बेकर बच्चों में सबसे ज्यादा यूज में ली जाने वाली पेन रेटिंग स्केल है, वोंग बेकर पेन असेसमेंट स्केल। नेक्स्ट इमेज की तरफ हम बढ़े,
आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट, ट्रेकियल डायलेटर, सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर, किलीज क्लैंप, मॉस्किटो आर्टरी, फोरसेप। तो बेसिकली इसको आप देखो तो आगे से ये थोड़ा मुड़ा हुआ है और यहाँ पे एक स्प्रिंग जैसा दिया होता है, तो ये डायलेटर है ना। डायलेटर होते हैं जो किसी भी जगह को डायलेट करने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो यहाँ पे फोरसेप और क्लैंप ये नहीं है, तो ये दोनों गलत हो गई, दोनों डायलेटर है। एक है ट्रेकियल डायलेटर लिया, दूसरा रिट्रैक्टर है, तो ये रिट्रैक्टर नहीं है, दिस इज डायलेटर। तो आंसर है ट्रेकियल डायलेटर। ट्रेकियल डायलेटर जो है वो नॉन रिकेटेड सिंगल स्प्रिंग होती है, यहाँ पे एक स्प्रिंग दी होती है, ये सिंगल स्प्रिंग है ना। रिंग इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है जब आप ट्रेकियोस्टोमी करते हैं, जो ट्रेकियल इंसिजन होता है ना, इसको यूज किया जाता है, यूज टू, जो ट्रेकियल इंसिजन होता है उसको वाइड करने के लिए, वाइडन ए ट्रेकियल इंसिजन। अच्छा, ट्रेकियल इंसिजन को वाइड करके क्या करेंगे, उसमें ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब डाल सकते हैं। ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को डालने से पहले ट्रेकियल इंसिजन को क्या करना पड़ेगा, वाइड करना पड़ेगा, है ना। सो दैट वाइड कर देंगे तो ये असिस्ट करेगा अपने को, मदद करेगा इन ट्रेकियोस्टोमी, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब इंसर्जन, इंसर्जन एंड प्लेसमेंट। ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को इंसर्ट और प्लेसमेंट करने में क्या करेगा, मदद करेगा, नाम है इसका ट्रेकियल। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट को हम के ऑप्शन बार बार हम पढ़ते आ रहे हैं, मेटल सक्शन टिप, दिस नॉट ए सक्शन टिप, यूट्राइन साउंड, एंडोट्रेकियल स्टीलेट, एंडोट्रेकियल स्टीलेट को बोगी बोला हमने, वो पहले हमने पढ़ लिया, डेप्थ गोज ये नहीं है। तो डेफिनेटली आप जिस जवाब का इंतजार कर रहे हैं वो यही है, दैट इज यूट्राइन साउंड। आप देख सकते हो ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है, पहले भी हमने बोला था यूट्राइन साउंड स्टेनलेस स्टील का बना होता है। तो ये यूट्राइन साउंड है, प्रोबिंग ए वुमन्स यूट्रस थ्रू द सर्विक्स, थ्रू सर्विक्स हम वुमन के यूट्रस के अंदर इसको क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, नाम दिया हमने इसको यूट्राइन साउंड टू मेजर, क्या क्यों क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं या क्यों हम वहां डालते हैं, टू मेजर, मेजर द लेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द सर्वाइकल कैनाल एंड यूट्रस। यूट्रस और सर्वाइकल कैनाल की लेंथ और डायरेक्शन को मेजर करने के लिए काम में लिया जाता है यूट्राइन साउंड। एक इंपॉर्टेंट इमेज है, एक इंपॉर्टेंट काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द कंडीशन, विच टाइप ऑफ कंडीशन इज गिवन हेयर। तो आप यहाँ देखेंगे इस चाइल्ड का फेस देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो तरीके से पिक्चर को दिखाने की कोशिश की गई है। बेसिकली इसका नेक वाला एरिया दिखाने की कोशिश की गई है ना। और नेक के अंदर आप देखोगे नॉर्मली नेक जो होता है वो राउंड होता है, इसके नेक में कुछ इस तरीके के बाहर की तरफ फोल्ड दिए होते हैं, नेक में फोल्ड, और नेक में इस तरीके का फोल्ड का प्रेजेंट होना वेब कहलाता है। मेरास्मस ये नहीं है, मेरास्मस जो है वो कंडीशन माल न्यूट्रिशन की है, यहाँ सिर्फ नेक को शो अप किया गया। नकल रिजिडिटी जो होता है वो बेसिकली मेनिनजाइटिस का एक साइन है और उसमें रिजिड नेक होती है। आप इस पिक्चर को देख के नेक रिजिड है ऐसा नहीं बता सकते, तो ये भी गलत है। शॉर्ट नेक, ये शॉर्ट नहीं है, लेंथ में है नेक, शॉर्ट अगर नेक होती तो ये इतना एरिया गैप बीच में नहीं होता, तो ये शॉर्ट नेक भी नहीं है। तो यहाँ पे ये वेब नेक, वेब मतलब एक फोल्ड प्रेजेंट है, स्किन का फोल्ड, इसको बोलते हैं वेब। तो ये वेब नेक है या इसी का दूसरा नाम है टेरिजियम कोली, टेरिजियम कोली वेब नेक का ही दूसरा नाम है। वेब नेक जो होती है या टेरिजियम कोली जो होता है ये एक कंजेनाइटल, कंजेनाइटल कंजेनाइटल बर्थ से, तो कंजेनाइटल जो होता है कंजेनाइटल स्किन का फोल्ड होता है, नेक के अंदर स्किन फोल्ड जो है वो कंजेनाइटली प्रेजेंट है, कंजेनाइटल स्किन फोल्ड। कहां से कहां तक है, तो ये साइड ऑफ द नेक डाउन टू द शोल्डर, कंधे तक है ना, साइड ऑफ द नेक, साइड ऑफ द नेक, ये नेक के साइड से लेके डाउन टू शोल्डर, डाउन टू शोल्डर, शोल्डर तक ना, डाउन टू शोल्डर, कहां से, साइड ऑफ द नेक शोल्डर तक, एक कंजेनाइटल स्किन का फोल्ड प्रेजेंट है, इसको वेब नेक कहते हैं। अच्छा, किसका इंडिकेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज सीन इन द टर्नर्स सिंड्रोम,
किसमें देखने को मिलता है ये? टर्नर सिंड्रोम में। टर्नर सिंड्रोम के अंदर वेब नेक इज अ साइन ऑफ टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम बहुत फेमस सिंड्रोम है, तो ये टर्नर सिंड्रोम का साइन है ना। 45 क्रोमोसोम ना, 44+X, फीमेल चाइल्ड में एक एक्स क्रोमोसोम का एब्सेंट होना टर्नर सिंड्रोम कहलाता है। एब्सेंट ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम, ओनली 45 क्रोमोसोम, जिसमें 44 ऑटोसोम होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स जो होता है वो गायब हो जाता है फीमेल के अंदर, ये टर्नर सिंड्रोम कहलाता है। नेक्स्ट पिक्चर को हम अगर, नेम दिस डिवाइस यूज फॉर द प्रिवेंटिंग ऑफ हाइपोथर्मिया इन नियोनेट, तो हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करने के लिए काम में लिया जाता है। फोटो से आप अगर देखो तो ये क्या है, रेडिएंट वार्मर, इंक्यूबेटर, फोटोथेरेपी और रूम हीटर। तो ये सिर्फ हीटर नहीं है, अच्छा ये फोटोथेरेपी नहीं है, और फोटोथेरेपी हाइपोथर्मिया के लिए काम में नहीं लिया जाता, जॉन्डिस के लिए काम में लेते हैं। इंक्यूबेटर एक पैक सिस्टम होता है, तो ये पैक नहीं है, तो ये ओपन सिस्टम है, इसलिए इसको आंसर दिया जाता है। रेडिएंट वार्मर, रेडिएंट वार्मर जिसके अंदर ये जो एरिया है यहाँ पे बच्चे को लेटाया जाता है, यहाँ पे लाइटिंग होती है और यहाँ से रेडिएशन निकलती है। ये रेडिएशन जो होती है, ये जो एनवायरमेंट है, ये जो आसपास का एनवायरमेंट है, इसको पूरा वार्म कर देगा, और ये पूरा एनवायरमेंट वार्म होएगा तो बच्चा जो होएगा वो हीट का लॉस नहीं करेगा, और जब बच्चे से हीट का लॉस नहीं होएगा तो बच्चा हाइपोथर्मिया में नहीं जाएगा। तो ये रेडिएंट वार्मर है जो रेडिएशन, रेडिएशन एक बहुत बड़ा मेथड है हीट लॉस का, उसको प्रिवेंट करता है और बच्चे में हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करता है। हाइपोथर्मिया न्यू बॉर्न बेबी में 3 तरीके के होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। 3 तरीके के हाइपोथर्मिया न्यूबॉर्न बेबी में पाए जाते हैं। माइल्ड हाइपोथर्मिया जिसमें नॉर्मल न्यूबॉर्न बॉडी का बेबी का बॉडी टेम्परेचर 36.5 टू 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये नॉर्मल टेम्परेचर है न्यूबॉर्न बेबी का, और इस नॉर्मल टेम्परेचर से कम होना हाइपो कहलाता है। माइल्ड हाइपोथर्मिया जिसको कोल्ड स्ट्रेस कहते हैं, उसमें टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड से 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में वेरी करता है, अगर ऐसा टेम्परेचर है ये माइल्ड हाइपोथर्मिया। मॉडरेट में 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 35.9 डिग्री सेंटीग्रेड तक वेरी करता है टेम्परेचर, और सीवियर के अंदर लेस देन 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हाइपोथर्मिया की सिचुएशन है, और इसके प्रिवेंट करने के लिए काम में लिया जाता है रेडिएंट वार्मर। पिक्चर है, याद रखिएगा। व्हाट इज दिस इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर, ये कहाँ काम में लिया जाता है? तो आप इसको अगर ढंग से देखें तो दोनों साइड के अंदर इस तरीके से गत्ते जैसी स्ट्रक्चर है, और बीच में जो है स्केल दिया हुआ है, तो इसका मतलब किसी आदमी को अगर लेटा के अगर आपको उसकी लंबाई चेक करनी है, लेंथ चेक करनी है, ये लेंथ के अंदर है और लेंथ चेक करनी है तो काम में लिया जाता है। अब लेटा के लेंथ चेक करते हैं उस आदमी का जो खड़ा नहीं हो सकता, और 1 साल तक बच्चा अपने पाँव पे खड़ा नहीं होता है, 1 ईयर का माइल स्टोन होता है, द चाइल्ड इज एबल टू इंडिपेंडेंट स्टैंड। तो 1 साल तक अगर बच्चा खड़ा नहीं हो सकता तो लेटा के उसकी जो चीज चेक करते हैं उसको लेंथ बोलते हैं। तो पहला है मेजर वेट, तो ये वजन चेक करने का मशीन नहीं है। दूसरा है मेजर हाइट, तो बेसिकली ये हाइट नहीं, हाइट में आदमी को खड़ा रखना पड़ता है, और उसके लिए जो है स्टेडियोमीटर, स्टैंडिंग स्टेडियोमीटर काम में लेते हैं। तो मेजरिंग हाइट क्या काम में लिया जाता है? स्टेडियोमीटर। तो ये स्टेडियोमीटर नहीं है, तो मेजरिंग लेंथ, ये लेंथ को मेजर करने का है, दैट इज करेक्ट वन। और नाम दिया जाता है इसको इन्फेंटोमीटर। तो ये इन्फेंटोमीटर है, इन्फेंट 1 साल तक की उम्र है, और उसमें लेंथ को मेजर करने के लिए काम में लिया जाता है। अपर और बॉडी सेगमेंट का रेशियो इससे मेजर नहीं होता है, तो यहाँ पे आंसर रहेगा इन्फेंटोमीटर, इन्फेंटोमीटर फॉर मेजरिंग लेंथ टिल द एज ऑफ 1 ईयर, 1 साल तक, 1 साल के अंदर बच्चों में ये काम में लिया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मॉनिटर यूजिंग ऑफ दिस टेप, इस टेप का क्या यूज है, ये टेप किसके मॉनिटर के काम में लिया जाता है? तो अगर इस टेप को आप ढंग से देखो तो ये कलर कोडिंग टेप है, जिसमें एक कलर दिया हुआ है रेड, दूसरा कलर दिया हुआ है येलो, तीसरा कलर दिया हुआ है ग्रीन, या आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट्स के जैसे कलर है, और रेड कलर, येलो और ग्रीन कलर, बेसिकली इस टेप का नाम है साकिर टेप। क्या बोला जाता है इसको? साकिर टेप। और साकिर टेप मेजर करती है मिड अपर आर्म सर्कम्फ्रेंस, मिड अपर आर्म सर्कम्फ्रेंस में काम में लिया जाता है साकिर टेप। और क्या चीज असेस करते हैं? तो बेसिकली बच्चा माल न्यूट्रिशन है या न्यूट्रिएट है, अगर रेड कलर आ रहा है इसमें तो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन का बच्चा है, येलो कलर आ रहा है मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन का बच्चा है, और ग्रीन कलर आ रहा है नो माल न्यूट्रिशन ना, नॉर्मल
नॉर्मल बच्चा है, तो ये आपने असेस क्या किया, माल न्यूट्रिशन को, न्यूट्रिशनल स्टेटस को। तो ये टैप है जो यूज किया जाता है फॉर द असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस। इसे एसआईटीस, स्कल ग्रोथ या हाइट ये मेजर नहीं करते हैं, इनको मेजर करने के लिए ऑर्डिनल टेप काम में लेते हैं। ऑर्डिनल टेप जो अपने मास्टर जी काम में लेते हैं वो वाला टेप, और हाइट को मेजर करने के लिए ओरिजिनल टेप काम में ले सकते हैं नॉर्मली, या इंच टेप बोलते हैं उसको, या स्टेडियोमीटर काम में ले सकते हैं। स्टेडियोमीटर जिसमें जो नंबरिंग होती है वो ओरिजिनल टेप की तरह ही होती है, तो ये उसके लिए। तो ये है न्यूट्रिशनल स्टेटस टेप मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस। नेक्स्ट इमेज है द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ, ये टेस्ट किसके आइडेंटिफिकेशन में काम लेते हैं। तो अगर आप टेस्ट को देखो तो नी को फ्लेक्स किया 90 डिग्री के एंगल पे, और हिप जो है या लेग वाला एरिया जो है, लेग जो है उसको एबडक्ट किया बाहर की तरफ, ताकि जो फीमर का हेड है वो अंदर की तरफ आए। और ये जो टेस्ट किया जा रहा है, इस टेस्ट का अगर मैं नाम दूं कि कौन सा टेस्ट हो, तो इस टेस्ट का नाम है ऑर्थो लेनीज मैनुअर। और ऑर्थो लेनीज मैनुअर जो होता है, ऑर्थो लेनीज मैनुअर जो होता है वो यूज किया जाता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ DDH, दैट इज डेवलपमेंटल डिस्प्लेशिया ऑफ दी हिप। एक कंजेनाइटल हिप की डिजीज है, डिसलोकेशन हो जाता है हिप का पार्शियल या कंप्लीट, तो ये हिप का डिसलोकेशन वाला कंडीशन है। आंसर इज सी, ये जो पिक्चर है वो हिप डिसलोकेशन को इंडिकेट करता है। डीडीएच या डेवलपमेंट डिस्प्लेसिया ऑफ, रिकेट्स, स्कोलियोसिस और पोलियोमाइलाइटिस यहाँ पे नहीं है। डीडीएच, इस मैनुअर जो ये किया जा रहा है इसको ऑर्थोलेनिज मैनुअर कहते हैं। क्लिकिंग साउंड आएगा जब हिप बोन वापस अपनी जगह पे आएगा। नेक्स्ट है लुक एट द इमेज, पिक्चर को देखें एंड आइडेंटिफाई द ग्रिप, विच टाइप ऑफ ग्रिप, कौन सा ये ग्रिप है। अगर आप इस पिक्चर को देखो तो आपको कौन सा ग्रिप ये दिख रहा है। पहला, फर्स्ट है पेल्विक ग्रिप, सेकंड है एब्डोमिनल ग्रिप, थर्ड है फंडल ग्रिप, और फोर्थ वन है अम्बिलिकल ग्रिप। एक इंपॉर्टेंट इमेज है और ये एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। तो अगर आप इसमें देखो तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो हैंड है बच्चा जो है वो वर्टेक्स पोजिशन, और हैंड जो है वो जिस एरिया में है, ये एरिया जो यूट्रस का माना जाता है ये फंडस वाला एरिया है। कौन सा एरिया है, फंडस। तो डेफिनेटली अगर अपने एग्जामिनर के हैंड जो है वो फंडल वाले एरिया की तरफ है, तो ये ग्रिप का नाम भी क्या देंगे अपन, फंडल ग्रिप। इस ग्रिप को क्या नाम देंगे, तो यहाँ तो जवाब बन गया इसका फंडल ग्रिप, कि जो हैंड वाला एरिया है उसका प्लेसमेंट फंडल साइट में, तो ये ग्रिप कौन सी हो गई, फंडल ग्रिप। फंडल ग्रिप या ये जो ग्रिप काम में ली जाती है ये बेसिकली ऑब्स्ट्रक्टिव ग्रिप कहलाती है ना, इनको ऑब्स्ट्रक्टिव ग्रिप कहते हैं। और ये चार तरीके की होती है ना, ऑब्स्ट्रक्टिव ग्रिप या लियोपोल्ड मैनुअर, ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप यानी को बोलते हैं लियोपोल्ड मैनुअर, मैनुअर ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप बोलो या लियोपोल्ड मैनुअर। फर्स्ट ग्रिप जो होता है, ये मैनुअर जो है चार तरीके के होते हैं। फर्स्ट ग्रिप जो ये फोटो दिया हुआ है दैट इज फंडल ग्रिप, फंडल ग्रिप। और फंडल ग्रिप जो होता है ये फर्स्ट लियोपोल्ड मैनुअर है, फर्स्ट लियोपोल्ड मैनुअर, फर्स्ट लियोपोल्ड मैनुअर, इसको फंडल ग्रिप कहते हैं। सेकंड ग्रिप जो होती है, दूसरे दूसरी जो लियोपोल्ड मैनुअर होते हैं उसको लेटरल ग्रिप कहते हैं, लेटरल ग्रिप नाम दिया जाता है, और इसको सेकंड लियोपोल्ड मैनुअर, सेकंड लियोपोल्ड के नाम से जाना जाता है। थर्ड ग्रिप जो होती है उसको पावलिक ग्रिप कहते हैं, पावलिक ग्रिप, इसको थर्ड लियोपोल्ड बोला जाता है। और फोर्थ जो ग्रिप होती है उसको पेल्विक ग्रिप कहते हैं, पेल्विक ग्रिप, या इसी को बोला जाता है फोर्थ लियोपोल्ड। तो बेसिकली चार तरीके की होती है, फर्स्ट है फंडल ग्रिप, लेटरल ग्रिप, पावली ग्रिप और पेल्विक ग्रिप। फंडल ग्रिप फंडस वाले एरिया में हैंड रहते हैं, अभी हैंड देखो फंडस वाले एरिया में, तो ये फंडल ग्रिप है। अगर हैंड यहाँ साइड में हो, लेटरल साइड में, यहाँ हैंड का प्लेसमेंट अगर पिक्चर में दिया हो तो इसको हम नाम दे देंगे लेटरल ग्रिप, जो सेकेंड लियोपोल्ड कहलाता है। अगर हैंड जो है ये पाउल बना रहा है, पाउल
लियोपोल्ड मैनर है जिसमें पाउल बनाता है, हैंड यहाँ पे होता है, यहाँ से ग्रास्प करें तो ये पाउली ग्रिप कहलाती है। पेल्विक ग्रिप के अंदर हैंड जो है वो हेड साइड से आएंगे और यहाँ पे डाइवर्जन देखेंगे, एक हाथ इधर रहेगा दूसरा हाथ इधर रहेगा, अगर ऐसा है तो ये पेल्विक ग्रिप। तो पेल्विक ग्रिप में इस तरीके से डाइवर्जन देखते हैं, पाउली ग्रिप में सिंगल हैंड यहाँ रखा जाता है, लेटरल ग्रिप या अम्बिलिकल ग्रिप जिसको कहते हैं इसमें लेटरल साइड में रहता है, और फंडल ग्रिप या एब्डोमिनल ग्रिप जिसको कहते हैं हैंड का प्लेसमेंट जो होता है ऊपर की साइड में रहता है। तो ये इस तरीके से लियोपोल्ड। अच्छा एक पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी की पिक्चर्स जो है वो अगर आपको अच्छे से देखना है तो आप मेरे फेसबुक पेज पे पिक्चर देख सकते हो, राजू सर के नाम से मेरा फेसबुक पेज है और वहां पे आपको जो है ये पिक्चर्स दिख जाएगा। आज ही के क्वेश्चंस के अंदर एक क्वेश्चन डाला हुआ है इसी इमेज से संबंधित मेरा, और उसमें आपको चारों पिक्चर दिख जाएंगे जिसमें फंडल ग्रिप, लेटरल ग्रिप, पेल्विक ग्रिप, पाल्विक ग्रिप। तो उसी पिक्चर के आंसर के अंदर विद रेशनल जो आंसर मिलेगा उसमें आपको ये पिक्चर दिखेगा, तो वहां जाके आप फोटो देख सकते हो और उस पे पेज को लाइक और जो है फॉलो कर सकते हो ताकि वहां भी आपको इम्पोर्टेंट बातें मिलती रहे। तो ये एक इम्पोर्टेंट इमेज है और एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट इमेज रहता है, चार याद रखना है। नेक्स्ट है, व्हाट कंडीशन इज शोन इन द पिक्चर गिवन बिलो, इस पिक्चर में क्या कंडीशन दिया हुआ है, कैपट सुसिडेनम, सिपेलो हेमेटोमा, हाइड्रोसिपलस और इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज। तो अगर आप यहाँ देखो तो पूरे हेड के ऊपर स्वेलिंग है और बाय बर्थ अगर हेड के ऊपर इस तरीके का स्वेलिंग जैसे दिख रहा है, कोई बच्चे ने टोपी पहन रखा है तो टोपी के लिए वर्ड कैप लिखते हैं, तो दिस इज ए कैपट सुसिडेनम, है ना। कैपट सुसिडेनम इज द स्वेलिंग ऑफ द स्कैल्प ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड अंडर स्कैल्प, स्कैल्प के नीचे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना कैपट सुसिडेनम कहलाता है। तो इज द पिक्चर ऑफ। नेक्स्ट पिक्चर को हम देखें, व्हाट इज द मोड ऑफ हीटिंग इन दिस इक्विपमेंट, इस इक्विपमेंट को हम देखें तो ये इक्विपमेंट क्या है, पहले हमने एक देखा रेडिएंट वार्मर और ये एक पैक क्लोज सिस्टम है, तो इसको हम बोलते हैं इनक्यूबेटर, ये इनक्यूबेटर है और इनक्यूबेटर जो है वो जिस मेथड पे काम करता है उस मेथड को नाम दिया जाता है कन्वेक्शन मेथड, है ना। चार तरीके होते हैं हीट लॉस के जिसमें कंडक्शन, रेडिएशन, इवापोरेशन और कन्वेक्शन होता है। तो इनक्यूबेटर जिस जिस हीटिंग मोड पे काम करता है वो हीटिंग मोड होता है कन्वेक्शन, रेडिएशन जो मोड होता है उस पे काम करता है रेडिएंट वार्मर, तो ये कन्वेक्शन मेथड पे काम करता है। कन्वेक्शन मेथड जो होता है इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट, हीट का ट्रांसफर होता है इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट, कंडक्शन जो होता है उसमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है, इसमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, सॉरी इट्स नॉट इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट, इट्स बाय एयर, है ना, स्लाइटली चेंज है यहाँ पे, ये किसके किस में? तो ये एयर मेथड पे काम करता है, बाय एयर, कन्वेक्शन नहीं बाय एयर, तो वार्म एयर। इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट मेथड पे जो काम करता है वो रेडिएशन मेथड, रेडिएशन एक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट, इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट, कंडक्शन काम करता है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट पे, कन्वेक्शन काम करता है बाय एयर मेथड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ये इमेज बेस्ड के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मैक्सिमम हेल्प करें, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। वीडियो की कड़ी के अंदर आगे के वीडियो को देखने के लिए जुड़े हुए रहिए मेरे YouTube चैनल से, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर डालें ताकि उस तरीके से मैं आपसे इंटरेक्ट हो सकूं और मैं ये देख सकूं कि क्या आपका रिएक्शन है और मुझे और क्या करने की जरूरत है। कुछ सजेशन हो तो अपना प्रीशियस सजेशन मुझे जरूर दें ताकि आगे की वीडियो के अंदर मैक्सिमम मैं आपको बेनिफिट दे सकूं और किसी भी एक इंसान की सफलता का कारण अगर मैं बन पाऊं तो मैं अपने आप को जो है भाग्यशाली महसूस करूंगा। थैंक यू सो मच।